वी आर टॉकिंग अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद हियर. पैट कमिंस 18 करोड़, अभिषेक शर्मा 14 करोड़, नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़, ऑनरिक क्लासन 23 करोड़, ट्रैविस हेड 14 करोड़. इन्होंने भी अपना सारा पर्स खत्म कर रखा है. सनराइजर्स हैदराबाद, योर इमीडिएट थॉट्स. भाई तू रैंकिंग अभी ले ले, ये दे आर माय नंबर वन. टीम्स विल मतलब पीपल विल से कि भाई बहुत खर्चा कर दिया ये वो, बट लुक एट व्हाट दे आर गेटिंग फॉर द मनी दैट दे हैव स्पेंट. सो दिस इज अ टीम हु ऑलमोस्ट वन द लीग लास्ट टाइम अराउंड मेगा ऑक्शन के एक साल पहले आफ्टर स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन द टू सीजन बिफोर दैट. ऐसा रेयर होता है. और उसके बाद अगले सीजन में दे आर गोइंग विद द सेम फाइव प्लेयर्स हु आर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ गो द जर्नी. बाकी टीम्स में देखोगे आप केकेआर ने अच्छा काम किया बट दे आर स्टिल लुक फॉर अ कैप्टन. एक बड़ा हेडेक है वो, ऐसा छोटा मोटा हेडेक नहीं है. आप राजस्थान की बात करोगे, बोलिंग लाइनअप काफी मतलब ऐसा ऑलराउंडर नहीं है. ऑलराउंडर तो पूरे तीन साल था ही नहीं. बोलिंग लाइनअप भी आप एक अनकैप्ड प्लेयर के रूल के हिसाब से आपने एक बनाया है. संदीप शर्मा वॉज नेवर द नंबर वन बोलर सो टू स्पीक. मुंबई इंडियंस से बात करोगे तो अभी भी लास्ट सीजन का वो एक रहेगा कि भाई अंडर परफॉर्म किया है सबने मिलके, एंड देट बुमराह के पार्टनर का डिस्कशन और वो सब अभी भी होना है. बट इफ यू लुक एट SRH, मतलब द काइंड ऑफ सिंगल हैंडेड मैच विनर्स दे हैव एंड दे हैव दे बीन एबल टू रिटेन देम इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, विच मेक्स देम अ वेरी स्केरी प्रॉस्पेक्ट. अब वो क्या कर सकते हैं कि रिमेनिंग पर्स से दे विल जस्ट ट्राई टू नो बाय सम टीम प्लेयर्स या ऐसे प्लेयर्स हु आर जस्ट हु कैन जस्ट फिल अ पर्टिकुलर वॉइड या डू अ जॉब बेसिकली कि भाई ये आपका काम है ये आपको करना है. अब उनके पास प्रॉपर सॉलिड ओपनर्स भी हैं, एक बीच में एक तगड़ा हिटर भी है, आपके पास एक कैप्टन है जो हु वुड हैव बॉट इनटू द टीम्स माइंडसेट. उसको पता है कि भाई अब ये मेरी टीम है, ये मुझे बिल्ड करना है, आई हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड. दे ऑलरेडी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस से आ रहे हैं एंड दे हैव अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर एज़ वेल व्हिच आर अ रेयर कमोडिटी इन इटसेल्फ. यहां पर दो सबसे बड़े सरप्राइज ये हैं कि उन्होंने क्लासन को इतना पैसा क्यों दिया, विच इज अ फेयर क्वेश्चन. आई फील अगर इतना ही देना था तो दे कुड हैव प्रॉबली यूज द RTM एज वेल. बट ऑन द अदर हैंड दे आर सिग्निफिकेंटली अंडर पेइंग NKR. मतलब सिग्निफिकेंटली मतलब आई थिंक ऑक्शन में ही कुड हैव बीन वर्थ ट्वाइस द अमाउंट इफ नॉट थ्राइस. तो वही वो चीज, शुरू में वो चीज मेरे को बहुत खटक रही थी. जब तक NKR पे क्लैरिटी नहीं थी तब तक मुझे भी लग रहा था कि यार ये लोग क्लासन को इतना क्यों दे रहे हैं. बट NKR एट 6 इज अ स्टील. तो अगर आप 6 वहां से हटा के NKR के 6 बढ़ा भी देते तो भी इनका रिटेंशन वुड हैव बीन नंबर 1 इन माय पिक. गुड ऑन NKR एज वेल यार कि 6 करोड़ में मान गया भाई अपने घर के फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के लिए और उन्हीं का पैसा तो सारा ट्रांसफर किया है ऑनरिक क्लासन को. बट या आई थिंक यार वही जैसे इनको ऑक्शन में जाते हुए इनको ना कीपर ढूंढना है ना कैप्टन ढूंढना है, एक पेसर उनके पास ऑलरेडी है, ना इनको ओपनर्स ढूंढने हैं, ना इनको एक मिडिल ऑर्डर ऐसा प्लेयर है जो पेसर को भी मार सकता है स्पिनर को भी मार सकता है. सारे ऐसे प्लेयर जिन्होंने मचा के रखा है ऑलरेडी जो उपल स्टेडियम है उनमें. आई थिंक अगेन जैसे सोमेश ने कहा निखिल, द बेस्ट रिटेंशन पॉसिबल मेरे शायद सेकंड बेस्ट पे है प्योरली फ्रॉम द फैक्ट कि मेरे को ऐसा लगता है कि सीट इज ग्रेट, ये प्रूवन परफॉर्मेंस है आपको वो पता है. कैन यू डू इट अगेन? जब पहला सीजन आप करते हो ना टीम्स आर नॉट क्वाइट श्योर हाउ यू विल गो अबाउट इट, हाउ विल यू एग्जीक्यूट, अब टीम्स को पता है. तो द ओनली रीजन व्हाई आई एम पुटिंग देम सेकंड टू KKR इज KKR हैज इनफ मनी टू गेट बैकअप्स फॉर ऑल्सो फॉर पीपल. वो एडवांटेज आई थिंक अब SRH के पास नहीं है कि आपके पास इनके बैकअप लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो आपका पर्स बचा है वो काफी कम है एंड उसमें भी यू स्टिल नीड अ गुड स्पिनर दैट इज ट्रबल्ड देम इन द पास्ट कि वो स्पिन ऑप्शन अच्छा नहीं मिला आपको और 3-4 और बॉलर्स भी आपको लेके आने पड़ेंगे सिस्टम में तो उनमें आपका पैसा खर्चा हो जाएगा. तो अगर ये सब फिट रहते हैं पूरा सीजन खेलते हैं तो कोई लोड नहीं. बट गिवन द पर्स दैट KKR स्टिल हैव एंड द रिसोर्सेज दैट दे हैव ऑलरेडी रिटेन तो फ्यूचर एस्पेक्ट भी अगर आप देखें तो मेरे को लगता है कि काफी अच्छा वेल राउंडेड चल. अगेन इट्स लाइक अ वेरी निटी ग्रिटी थिंग टू पिक आउट कि भाई बैकअप तूने लेके आ पा रहे हो. ज्यादा टाइम आपको IPL में बैकअप्स लगते भी नहीं है बट इट्स अ फनी गेम. जैसे आपके प्लेयर है देखो ट्रैविस हेड विल बी पार्ट ऑफ एशेज अलॉन्ग विद WTC अलॉन्ग विद कमिंस तो उन दोनों का आपको लोड देखना पड़ेगा. क्लासेन ठीक है, अभिषेक भी देखो अभिषेक हैजंट हैड दैट टाइम ऑफ दैट इज हैड विद SRH अदरवाइज. एमर्जिंग कप में भी ही हैड अ गुड स्कोर
but teams will start to figure him out. So, in terms of long-term prospect, definitely one of those best teams. So, mere liye bas wo second rahenge, purely from the fact ke itni well-rounded aap shayad bana na pao, and you will depend on others to just give you those players that you want in that limited purse. बस थ्री मेरे तीन रीजन है जिसके कारण आई फील दे हैव डन अ बेटर जॉब इवन देन केकेआर. एक तो केकेआर का वो चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं है कि उनके 61 क्यों कट रहे हैं. क्योंकि अगर वो कट रहे हैं तो फिर 51 वर्सेस 45 है, एसआरएच के 45 है, केकेआर के 51 है, तो बहुत ज्यादा गल्फ नहीं बचा दोनों के पर्स में. सेकंड थिंग लाइक आई सेड कि भाई केकेआर को कैप्टन ढूंढना है, कैप्टन ढूंढना है, एसआरएच के साथ वो हेडेक नहीं है. तीसरी बात, अगर आप मेरे से बोलोगे कि एसआरएच के ये प्लेयर्स जिन्होंने लास्ट टाइम जो किया वो रेप्लीकेट कर सकते हैं वर्सेस सुनील नारायण एट द बैटर जो वो किया वो रेप्लीकेट कर सकता है, माय मनी वुड बी कि एसआरएच फिर भी रेप्लीकेट कर सकता है. फॉर दैट मैटर सुनील नारायण एंड्रू रसेल भी, बट आई थिंक केकेआर का जो डोमिनेशन था दैट इज मतलब उसमें आई थिंक सुनील नारायण हैड वन ऑफ द बेस्ट सीजंस फॉर एन आईपीएल प्लेयर एवर, वैसा वाला सीजन था वो. तो वो रेप्लीकेट करना इज इवन मोर डिफिकल्ट की देन ये चार पांच प्लेयर्स का पुट टुगेदर टू रेप्लीकेट द परफॉर्मेंस दैट दे डिड लास्ट टाइम अराउंड. ओके तो ठीक है, नंबर दो पे है निखिल के लिए सनराइजर्स, फॉर यू इट्स नंबर वन. नंबर वन इज केकेआर एंड फॉर यू नंबर टू इज केकेआर. योर थर्ड बेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन, जल्दी जल्दी बोलो, कल दिवाली है. कोई ऐसा ऑब्वियस स्ट्रेट ऑप्शन नहीं आ रहा है कि देखो चेन्नई यू विल फील they had room to probably just maneuver that budget enough here and there. RR, you know, they'll have to find that bowler option. So Punjab ko to I think race mein nahi hai wo to be in that again, not for the first time. Kaun hai Nikhil bhai kaun hai, kaun nahi hai? mera mind is MI RR LSC, MI and RCB. Yeah, MI RR LSC, even RCB for that matter, ki bhai khulla option tha paisa. ऐसा रखा है कि तुम कहीं भी जा सकते हो. तो आई थिंक थर्ड स्पॉट इज प्रोबब्ली बी अ टाई विद यू, उसके बाद तो फिर सब एंबिगस ही है. लोग मुंबई बोलेंगे, बट द रीजन इज कि इतने लोग को अग्री कर पाना कि भाई रिटेन कर पाओ वो बस एक डिफिकल्ट काम है. नाम बहुत क्लियर थे, नाम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि किनको रिटेन करना है. बट अगेन आई मीन मुंबई द ओनर ऑफ मुंबई इंडियंस भाई ऐसे लोग हैं जो प्लेयर्स बाद में रिग्रेट करते हैं कि हम इनके साथ मौका था और रिटेन नहीं हुए, तो नो वन वांट टू गो डाउन दैट रूट. ओके तो ये सब कुछ था आईपीएल रिटेंशंस और काफी पैसे बटे हैं सभी लोगों में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.